बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद असगर मलिक और इन्फोमैक्स के तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो दोस्त सऊदी अरेबिया या किसी मुल्क में जाना चाह रहे हैं या जाने का इरादा रखते हैं, तो अब एयरपोर्ट पे आप लोगों को मैं ख़बरदार कर दूं कि एक न्यू अनाउंसमेंट हो चुकी है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, पाकिस्तान की तरफ से, कि ये आपको वैक्सीन कराना लाजमी होगी। इस वैक्सीन को अगर आप नहीं कराते तो आपको एयरपोर्ट पर परेशानी का सामना हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अहम होने वाली है। जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है दोस्तों, और हम नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में मैंने जैसे बताया कि अब पाकिस्तान में सिविल एविएशन ने एक नोटिस जारी किया है और उसकी वजाहत नादर डिपार्टमेंट में भी कर दी गई है कि आप लोग अगर किसी मुल्क में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आप लोगों का एक सर्टिफिकेट चेक होगा वैक्सीन का। वो वैक्सीन पोलियो वैक्सीन है। जैसे कोविड के लिए पहले इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि कोविड वैक्सीन हो, अब उसको छोड़ दिया गया है, इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन अभी न्यू अनाउंसमेंट आई है, इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप दोस्तों को पहुंचा रहा हूँ कि आपको पोलियो वैक्सीनेशन करानी है। वो कैसे करा सकते हैं? आप अपने डिस्ट्रिक्ट या जो तहसील लेवल की हॉस्पिटल्स होती हैं वहाँ पर विज़िट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि ये लेटर है सिविल एविएशन का, तो इस पे मैं आपको शेयर करूंगा, इसमें स्क्रीनशॉट आप उसका ले लीजिएगा। वो लेटर आप लोग शो करा के अपना वैक्सीन कराएंगे। वैक्सीन पोलियो की लेने के बाद आप लोग उनको कहेंगे कि मुझे एक कार्ड भी दे दें और इसको ऑनलाइन कर दें। कार्ड की मैं बात इसलिए बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। आप लोग वैक्सीन करा लेते हैं और उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं करते तो आप लोगों को मुश्किल हो सकती हैं। तो जब आप लोग वैक्सीन करा लें, ऑनलाइन को चेक करने के लिए आप नादर की जो कोविड की वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे। आप लोग वहाँ पे अपना आईडी कार्ड और अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे या आईडी कार्ड एक्सपायरी देंगे, तो उसके बाद आप लोगों को 100 रुपीज़ वो फ़ी पे करके आप उसको कार्ड की शक्ल में या A4 पेपर पे आप लोग उसको प्रिंट करके एयरपोर्ट पर लेके जा सकते हैं। अब इसमें दूसरी कंडीशन रखी है एयरपोर्ट वालों ने कि वो दोस्त जो आना चाह रहे हैं ये वैक्सीन 4 हफ़्ते पहले कराएँ। अब ऐसे अफराद भी हैं जिनकी टिकट आज कल में या कुछ दिन पहले हो चुकी है और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो वो परेशान ना हो। ये अनाउंसमेंट अभी हुई है तो इसके ऊपर फर्दर इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो उन दोस्तों को एयरपोर्ट पे वैक्सीनेशन दे दी जाएगी। और कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने ट्रैवल किया, हमें तो किसी ने ये मतलब वैक्सीन के हवाले से नहीं पहुँचा। तो दोस्तों, जो अनाउंसमेंट होती है, हमारा काम होता है आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना, जैसे कोविड के हवाले से या वीज़ा अपडेट के हवाले से हम लोग आप लोगों को लम्हा बलम्हा गाइड कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसा है कि कहीं अगर आप प्यारे जो आते हैं, अपने कितना एक्सपेंस पैसा लगाते हैं, उसके बाद आप लोगों को एयरपोर्ट पे परेशानी ना हो, तो हम आप लोगों को प्री इन्फॉर्मेशन प्री अलर्ट दे देते हैं कि जो अनाउंसमेंट है, ताकि आप लोगों को उस मुश्किलात का सामना ना हो और आप आसानी से अपने मकसद के लिए, जो आपके ख्वाब हैं पूरा करने के लिए, आपको प्रॉब्लम ना हो और ईजीली आप ट्रैवल कर सकें। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।